एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, विलेयता और विलेयता गुणनफल के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये क्या है विलेयता, क्या है विलेयता गुणनफल, कब जरूरत पड़ी विलेयता और विलेयता गुणनफल को देने के लिए, दरअसल इसका डिफिनेशन क्या होता है। वैज्ञानिकों का कहना था स्थिर ताप पर किसी विद्युत अपघट के संतृप्त विलयन, जरा आप ध्यान दीजिएगा हम बोल रहे हैं संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के सक्रिय द्रव्यमानों का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग कहते हैं विलेयता गुणनफल। दरअसल अगर हम लोग यहां पर बोले संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर को आप स्थिर रखिए और चीनी को आप घोलते जाइए, चीनी तब तक घुलता रहेगा जब तक कि चीनी घुलना बंद न हो जाए, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन्हीं का जो आयनिक गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता गुणनफल। थोड़ा हम लोग एक एक पॉइंटेड बातें इनके बारे में सीखते हैं, विलेयता गुणनफल के बारे में। जब वैज्ञानिक विलेयता गुणनफल से संबंधित कुछ यूनिट दे रहे थे, तो पहले हम लोग यूनिट से चलते हैं। तो यहां पर कई तरीके से यूनिट दिया जाता है। पहले तो वैज्ञानिकों ने कहा कि 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक यानी साल्वेंट, 100 ग्राम विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुल सके, ग्राम में विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सके 100 ग्राम विलायक में, वही है विलेय की विलेयता। ये बात सही नहीं निकला, बाद में वैज्ञानिक ने कहा नहीं ये बात ठीक नहीं है। फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पर हम लोग जो सॉल्यूट लेंगे, क्या लेंगे सॉल्यूट, ये ग्राम में लेंगे, बट जो साल्वेंट लेंगे ये किस में लेंगे, लीटर में, यानी किसी पदार्थ का कितना ग्राम एक लीटर विलयन वाले आयतन में घुला हुआ है। फिर ये बात भी सही आई, यहां पे कुछ बात ये लागू होता है, लेकिन हम लोग जो सॉल्युबिलिटी में अध्ययन करते वो क्या अध्ययन करेंगे, दरअसल बच्चों हम लोग जो सॉल्युबिलिटी में अध्ययन करेंगे वो देखा जाता है मोल्स पर सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूट का कितना मोल, ये बात आप समझ रहे हैं, सॉल्यूट का कितना मोल्स पर लीटर विलयन में क्या है, घुला हुआ है। ये आप जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग बात, सॉल्यूट का पर मोल कितना विलयन, कितने लीटर आया था लीटर में, किसी विलय का कितना मोल घुला हुआ है, तो ये जो हम लोग अध्ययन करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, इसी यूनिट का हम लोग उपयोग करते हैं और इसी से हम लोग अध्ययन भी करेंगे। चलिए जरा हम लोग सीखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। सपोज मान लीजिए हमारे पास ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है और ये सॉलिड स्टेट में है, राइट। जब आप इसे जल में डिजॉल्व करेंगे, जल में आप डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए बी यानी एक्वस। फिर ये क्या होता है, एक ए प्लस में टूट जाता है और दूसरा भी माइनस में टूट जाता है, राइट। और ये भी किस में होता है, एक्वस में होता है, और ये भी किस में होता है बच्चों, एक्वस में होता है। अब यहां पर इन तीनों का प्रोसेस का मतलब जरा समझते हैं, यहां पर ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, इसका मतलब क्या है। अच्छा आप ऐसे समझिए, सपोज मान लीजिए आपके पास चीनी है, चीनी को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, घोला, तो जब आप चीनी को वाटर में डिजॉल्व करने जाएंगे, घोलने जाएंगे, तो समय चीनी किस में है, सॉलिड स्टेट में है। एक बार जब सॉल्यूशन विलयन में जाता है तो भी सॉलिड स्टेट में होता है। अभी होता क्या, पहले घुलेगा, डिजॉल्व होगा, यानी एक्वस में अपना एक क्रिया करना शुरू होगा, क्रिया करना शुरू करेगा, पहले एक्वस में जाएगा, फिर ये आयनिक होगा, टूटेगा। ये आप देख पा रहे हैं ए क्यू और ए क्यू, अब ये विलयन में क्या हुआ, पूरी तरह डिसोसिएट हो गया। जैसे NaCl आपने लिया, आप जब इसमें घोलेंगे तो एक बार तो क्रिस्टल में रहेगा ना, सॉलिड स्टेट में रहेगा, फिर वो एक्वस में घुलेगा, अब ये फिर ऑटोमेटिकली आयनिक होगा NaCl- में, फिर वो एक्वस में घुलेगा। तो ये जो घुलने की क्रिया होती है जब सॉलिड स्टेट में होती है, जब सॉलिड स्टेट में होता है, जब वो घुलता है, ये क्रिया इतनी फास्ट होती है हम लोग समझ में नहीं आता, इमेजिन भी जल्दी हम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो क्रिया होती है ये इमेजिनरी पॉइंट है, ये काल्पनिक होता है, आपको समझना पड़ेगा। आपने सॉलिड को घोला, जल में गया, घुला, उसके बाद ये आयनिक हो गया, राइट। चलिए अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट होता और इसे हम जल में घोल देते, किस में घोल देते, जल में घोल देते, तो प्रारंभ में तो ये सॉलिड स्टेट में है ना, जब आप जल में घोलेंगे तो ये किस में टूटेगा, ए प्लस में टूटेगा, और ये किस में टूट जाएगा बच्चों, बी माइनस में टूट जाएगा, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, राइट। चलिए अब यहां पर हमने इसे क्या किया, इसमें डिजॉल्व कर दिया, घोल दिया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है
कि अगर इससे हमें द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम के अनुसार लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया भी है। उत्पाद के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या अनुपात को हम लोग द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ ए प्लस, यानी ए का सक्रिय द्रव्यमान, बात समझ में आ रही है। एक्टिव मास ऑफ बी माइनस, इसका मतलब बी का सक्रिय द्रव्यमान अपान डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ ए बी, राइट। अब यहां पर होता क्या है, क्या हम इसे सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल में नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। अगर आप तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, तिर्यक जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू ए बी हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए प्लस, और ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी माइनस, राइट। और यहां पे जब आप, अच्छा इसका मतलब समझते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमने इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। जब हम आपको आयनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि जब कोई चीज सॉलिड स्टेट में किसी जल में डिजॉल्व होता है, यानी कि जब कोई सॉलिड स्टेट और एक्वस दोनों आपस में एक दूसरे के केमिकल इक्विलिब्रियम हो, तो यहां पर जो सॉलिड स्टेट होता है वो इस कॉन्स्टेंट के वैल्यू में क्या होता है, गुणनफल हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बच्चों के एस पी हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए प्लस, और ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी माइनस, राइट। ये है, ये विलेयता गुणनफल है, राइट। ऐसे ही निकाला जाता है किसी, अच्छा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एन ए सी एल है, सोडियम क्लोराइड, और एन ए सी एल सॉलिड स्टेट में है, इसे हमने क्या किया, जल में डिजॉल्व किया, तो पहले ये जाएगा एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अभी हमने आपको बताया, फिर ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, तो किस में टूट जाएगा, एन ए प्लस में और सी एल माइनस में, राइट। अगर आप इसका विलेयता गुणनफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, के एस पी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ एन ए प्लस, यानी एन ए प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास ऑफ सी एल माइनस, यानी सी एल माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, राइट। चलिए अब आप आगे समझिए जरा, ये भी किस में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, और ये भी किस में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। थोड़ा इसे हम लोग आगे समझते हैं। अब यहां पे सपोज मान लीजिए हमने जो एन ए सी एल लिया था, इसकी यस मोल्स क्या है, जल में घुले हुए हैं, ये भी कितना, यस मोल्स। अब जब यस मोल्स जल में घुलेंगे तो ये बनेगी कितना, इसका भी यस मोल्स बनेगा और इसका भी कितना बनेगा, यस मोल्स बनेगा। सपोज मान लीजिए जो हमने एन ए सी एल को जल में डिजॉल्व किया, घोला, तो कितना था, यस मोल्स एक्वस में, यानी कि यस मोल हमने घोला तो बनेगा कितना, यस मोल ही बनेगा ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, के एस पी इक्वल टू यस इंटू यस, राइट। के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से विलेयता गुणनफल निकाला जाता है। चलिए थोड़ा हम लोग वन टाइप और वन टू टाइप साल्ट के बारे में जानते हैं। सी एल होगा, के सी एल होगा, ए जी बी आर होगा, एन ए बी आर होगा और के बी आर होगा, राइट। ये आप देख पा रहे वन वन टाइप साल्ट है, और वन वन टाइप जब साल्ट है, जैसे हमने लिया इसमें से ए जी सी एल, जब आप ए जी सी एल को जल में डिजॉल्व कर रहे होंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, टूटेगा ए जी प्लस और सी एल माइनस में, राइट। अब बच्चों ये किस में टूटेगा, ए जी प्लस में और सी एल माइनस में, तो इसका जो विलेयता गुणनफल होगा वो क्या होगा, के एस पी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए जी प्लस, और ये हो जाएगा इंटू एक्टिव मास ऑफ सी एल माइनस, और हमारे पास इसका कितना था, यस मोल्स, यस मोल्स, और जब ये बनेगा तो इसका भी कितना बनेगा, यस यस मोल बनेगा। तो यहाँ पर ये के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इंटू यस, यानी ये कितना निकल के आएगा, के एस पी इक्वल टू यस स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं के एस पी इक्वल टू यस इक्वल टू अंडर रूट के एस पी। ये क्या है, वन वन टाइप साल्ट के लिए। अच्छा अब हम लोग थोड़ा वन टू टाइप साल्ट के लिए देखते हैं, वन टू टाइप साल्ट, वन टू टाइप साल्ट या टू वन टाइप साल्ट। और वन टू टाइप साल्ट की बात करें तो जो वन टू टाइप साल्ट होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे एम जी सी एल टू है, पी बी सी एल टू है, राइट, ऐसे बहुत से अंशुवान। अब जैसे पी बी सी एल टू हमने लिया, यहाँ पर पी बी सी एल टू, जब आप पी बी सी एल टू को जल में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पी बी डबल प्लस में टूटेगा
और ये 2Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर जो Ksp का वैल्यू आएगा, Ksp इक्वल टू ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Pb डबल प्लस, और ये हो जाएगा बच्चों एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है, हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाते भी हैं। तो अब यहाँ पर जब इसका यस मोल्स है, हमने कितना लिया है यस मोल्स, राइट, यस मोल्स है, तो ये भी यस मोल टूटेगा, ये भी यस मोल, लेकिन यहाँ पर जब दो है तो यहाँ टू यस मोल टूटेगा, राइट। तो ये के एस पी इक्वल टू हो जाएगा यस इन टू, और ये कितना है टू यस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये निकल के आएगा के एस पी इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, दो दूनी चार यानी कि फोर यस क्यूब, राइट। ये निकल के आता है वन टू टाइप साल्ट के लिए। अच्छा, अब हम लोग जरा सीखते हैं वन थ्री टाइप अगर साल्ट दिया हो तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। हेडिंग डालिए वन थ्री टाइप साल्ट। बात करें वन थ्री टाइप साल्ट की तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे हमने लिया इसमें AlCl3, AlCl3 वन थ्री टाइप साल्ट है। तो अगर वन थ्री टाइप साल्ट को हम जल में डिजॉल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं, और लिया कितना यस मोल पर लीटर ही लिया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा Al ट्रिपल प्लस और 3Cl माइनस में टूट जाएगा। Ksp वैल्यू आप देख लीजिए इसका कितना है, Ksp वैल्यू इसका निकल के आएगा एक्टिव मास ऑफ Al ट्रिपल प्लस एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस का होल क्यूब। अच्छा, इसका अगर आप यस लेंगे तो इनके बनेंगे कितने यस, और इसका 3s बनेगा, तो हो जाएगा Ksp इक्वल टू ये हो जाएगा यस इन टू 3s का होल क्यूब, और ये हो जाएगा Ksp वी चीज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 27 27 यस पी पावर 4। तो ये है वन थ्री टाइप साल्ट के लिए। चलिए आप फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब हम लोग बच्चों सीखेंगे इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, राइट, इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। पेन की थोड़ा स्याही कम हो रही है। चलिए, एक हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, इससे जरा हम लोग सीखते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इससे संबंधित सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, जरा इसके बारे में सीखते हैं। हमारे पास में है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के नमूने, हार्ड वाटर के नमूने में, हार्ड वाटर के नमूने में 0.005 ml मिलीलीटर, सॉरी मोल पर लीटर, ये आप देख पा रहे हैं मोल पर लीटर में है, ये मोल पर लीटर CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी हार्ड वाटर में CaCl2 का कितना नमूना घुला हुआ 0.005 मोल पर लीटर है। अब कह रहा है इसमें से Ca डबल प्लस आयंस हटाने के लिए, ये आप देख पा रहे हैं आयंस हटाने के लिए, Ca डबल प्लस आयंस हटाने के लिए Na2SO4 की न्यूनतम, Na2SO4 की न्यूनतम सांद्रता, सांद्रता की गणना करो, Na2SO4 न्यूनतम सांद्रता की गणना करो, ठीक। और इसमें जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो दे रखा है, यहाँ पे है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका CaSO4 का, इसका वैल्यू बच्चों दे रखा है 2.40 × 10⁻¹⁵। चलिए इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि Na2SO4 की जो न्यूनतम इसकी मात्रा है इसी की क्या करना है, गणना करना है, राइट। ध्यान दीजिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं CaSO4 को, जब आप CaSO4 को जल में आप डिजॉल्व कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है Ca डबल प्लस में टूटता है और ये SO4 डबल माइनस में, तो इसका Ksp आप लिख लीजिए कितना है इसका Ksp Ca डबल प्लस और ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ SO4 डबल माइनस, राइट। और यहाँ पर Ksp वैल्यू कितना दिया है 2.40 × 10⁻¹⁵ इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए Ca डबल प्लस आयंस हटाने के लिए ये कितना वैल्यू है 0.005 और ये कितना है SO4 डबल माइनस, यहाँ पे इसी की सांद्रता की गणना करना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा SO4
डबल माइनस ये हो जाएगा बच्चों 2.40 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 005। चलिए आप इसे हल करिए। आप जब आप इसे हल करते हैं तो वैल्यू निकल के आता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर, राइट। ये है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीख पाए सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल।